प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। मलिहाबादी आम अब आम नहीं खास हो गया है, क्योंकि लोगों की पहुंच से लगातार दूर हो रहा है। कारण है इसकी पैदावार में गिरावट। इसका कारण जलवायु परिवर्तन और नकली दवाइयां, या इसके पीछे कोई और कारण है, या फिर किसी की नज़र लग गई। इन्हीं सब पर प्रभात खबर ने तैयार की है एक स्पेशल रिपोर्ट। गर्मी के मौसम में लोग आम का लुत्फ उठाने का इंतजार करते हैं। वैसे तो गर्मी का मौसम किसी को भाता नहीं है, पर इस मौसम का इंतजार लोग फलों के राजा आम के लिए बड़ी बेसब्री से करते हैं। फलों के राजा आम की बात होती है तो जहन में मलिहाबादी दशहरी की खुशबू और उसकी मिठास बरबस याद आ जाती है। वहीं आम इस बार खास बन गया है और आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। आम की राजधानी कहे जाने वाले मलिहाबाद में इस बार आम के उत्पादन में बड़ी गिरावट आई है। मलिहाबाद में इस साल आम का उत्पादन 2 दशक में सबसे कम हुआ है। मलिहाबाद के किसानों और वहां से आम का व्यापार करने वाले व्यापारियों ने बताया कि इस बार आम की फसल 70% से लेकर 80% तक गिरावट आई है। मलिहाबाद के आम उत्पादकों ने दावा किया है कि अधिक गर्मी पड़ने के कारण फलों के राजा आम का उत्पादन प्रभावित हुआ है। कम उत्पादन के कारण फसलों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। उत्पादन में आई बड़ी गिरावट से इस बार आम की कीमत 100 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच सकती है। मलिहाबाद का नाम जहन में आते ही मैंगो यानी आम का जो फल है वो याद आ जाता है। हम इसमें मलिहाबाद में मौजूद हैं और आम की जो फसल है उसकी तुड़ाई शुरू हो गई है और मंडी में आपको दिखने लगा है। 1 तारीख को यानी 1 जून को मलिहाबाद की मंडी खुल गई है और मलिहाबाद में भी देखें जो किसानों का माल है वो मलिहाबाद आड़त पर पहुँचने लगा है। हम इस समय मलिहाबाद की आड़त में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, देखिए ये आम रखा हुआ है जो पाल का हुआ है अभी है, क्योंकि डाल का भी नहीं है, डाल का आने में भी समय लगेगा। ये कच्चा माल आ गया है जो मंडी में अब किसानों का माल पहुँचने लगा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप उनसे बात करेंगे इस बार जो आम के हालात हैं वो क्या हैं, और भाई साहब इस बार जो आम के हालात हैं वो क्या हैं? आम के हालात ठीक हैं, बढ़िया है। फसल की बात करेंगे तो फसल कम है, फसल 25% है पिछले सालों से, बहुत कम है। इसके पीछे के क्या कारण है? क्योंकि पिछला 2 साल तो कोरोना में चला गया लोगों का, इस बार लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि कुछ बेहतर होगा। बेहतर तो होगा, इसके पीछे कोई कारण नहीं है, तो सर अल्लाह की बात है। फसल कम ज़्यादा आना वो दुनियादारी का कोई हिसाब नहीं है, जो अल्लाह चाहता है वो होता है। लेकिन किसानों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत होती है ऐसे में? यहाँ यहाँ वो बैठे छोटे वाले वो सही देंगे। आइए भाई साहब इधर आ जाइए, इधर ही आइए तो बात करेंगे, थोड़ा सा लाइक आ जाइए। मंडी मलिहाबाद की खुल गई है जी, जी माल आना शुरू हो गया किसानों का जी। इस बार कितना माल है आपको लगता है, कितना आम फसल आई है इस बार? कहा जा रहा है बहुत कम फसल है इस बार। आम की फसल बहुत कम है, लगभग 25% फसल, 75% नहीं है। 75% आया था, बोर बहुत आया था, लेकिन नुकसान हो गया, सब घट गया था। बोर लू चली थी तकरीबन 5 दिन, उस 5 दिन में वो सब नष्ट हो गया था, बोर जो आया था बोर। उसके बाद ये 25% बची है, और इसमें देखो क्या होता है, रेट आगे मिल नहीं रहे, अब आगे रेट मिलेंगे तो यहाँ से कुछ सुधार। दिल्ली जो माल गया है यहाँ से उसका क्या रेट आया, कुछ निकल करके क्या है? दिल्ली 300 रुपये से 400 रुपये तक डब्बा 12 किलो का बिका है। 400 रुपये से 400 रुपये तक 12 किलो। 12 किलो। अच्छा, ये कैरेट की अगर बात करें तो ये कितने की है, कितने किलो की है ये? ये 12-13। इसकी क्या कॉस्ट होगी वहाँ दिल्ली में अगर बात करी जाए, जो अब तक माल गया है इसका? इसकी ये 300 से 400 रुपये तक दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रेट बहुत अच्छा नहीं है, जिस हिसाब से फसल कम है, जिस हिसाब से फसल कम है बहुत कम रेट है। ये 40 रुपये किलो बिकना चाहिए यहाँ किसान का, और वहाँ दिल्ली में 50 रुपये किलो बिकना चाहिए। अच्छा, जिसे जब हालात ऐसे होते हैं, 2 साल पूरा कोरोना में किसानों को चला गया और इस बार भी फसल कम आई है,
तो ऐसे में किसान और जिसका व्यापार करने वाले लोग हैं उनके लिए कितना बड़ा संकट है? बहुत बड़ा संकट है किसान के लिए, बहुत बड़ा संकट है उसके लिए, उसकी रोजी रोटी भी मतलब समझो इससे जुड़ी हुई है और उसके लिए बड़ी परेशानी हो रही है। किसान जो कारोबार करते हैं उनके लिए भी तो इतनी बड़ी दिक्कत है, उनके लिए भी इतनी दिक्कत है। अगर यहाँ से माल महंगा खरीदें और आगे महंगा ना बिके नुकसान होता है तो फिर कैसे खरीदेंगे। और जो व्यापारी हैं क्योंकि बाग ले लेता है दो दो साल तीन तीन साल के लिए, जो फसल नहीं आई पूरी तरीके से उनके लिए भी बड़ा दिक्कत, लिए भी बहुत दिक्कत है। तो क्या लगता है बात करती है सरकार लगातार मलिहाबाद की बात करेगी, मंडी की बात करेगी, सिंचाई की बात करेगी, लेकिन सरकार कुछ ख्याल करती है आप लोगों का? जो मैंगो के किसान हैं उनको लेकर के, जो व्यापारी उनको लेकर सरकार की तरफ से कोई स्प्रे कोई कुछ नहीं कर रही सरकार, कुछ नहीं कर रही, सिर्फ बातें हो रही और कुछ नहीं। मंडी तो बहुत अच्छी बना दिया ना सरकार ने, बताई मंडी बनाई वहाँ, लेकिन वहाँ पे साइड नहीं बनाए, शेड होने चाहिए ना भाई, इसके लिए तो आम के लिए तो छाया चाहिए, इसके लिए छाया जरूरी है। जैसे यहाँ ये बने हुए हैं ना, तो ऐसे ही वो बड़ा साइड बनता मंडी में तो ये मंडी शिफ्ट हो जाती है वहाँ, इसलिए मंडी शिफ्ट नहीं हुई वहाँ। फसल का ये सुनकर के लोगों को कि 25% आया तो चिंता ये हो जाती है कि खाने को मिलेगा लोगों की नहीं मिलेगा और कितना महंगा मिलेगा, आपको क्या लग रहा है लोगों के लिए? मुश्किल है, खाएंगे तो है ही, खाना तो है ही भाई, बनिया से उधार लेगा कहीं से भी लेगा आड़ती से लेगा, उसे तो खाना है, उसे तो अपना काम करना रेट। है रेट अगर अच्छा मिल गया तो शायद उसका कुछ भला हो जाए। फिलहाल अभी तक जो दिखाई दे रहा है वो अभी तक कोई इसमें वो नहीं है, सब लग रहा है कि सबको नुकसान हो रहा है। अच्छा अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हामिद है, मैं सहारनपुर से आया हूँ। व्यापारी है? व्यापारी हूँ। अच्छा अच्छा, तो व्यापारी है तो एक सवाल ये बनता है कि आप मंडी घूम रहे होंगे, क्या आपने देखा अभी तक मलिहाबाद के आम में और क्या रेट आपको लग रहा है कि ले आ जाए जो मार्केट थोड़ा बेहतर हो? पिछली बार और इस बार में अगर कंपेरिजन किया जाए, 25 रुपए से लेके और 35 रुपए तक का रेट यहाँ मलिहाबाद में फिलहाल चल रहा है जी, क्योंकि मंडी कल ही खुली है इसलिए अभी कल ही खुली है, कल का रेट बता रहा हूँ। सीजन का पहली बार आपका होगा, पहला दिन होगा? पहली बार हमने पहली गाड़ी कल लगाई है, दो गाड़ी लगाई है मैंने, तो 25 से 35 रुपए तक मैंने माल खरीदा है। अच्छा, आपने खरीद लिया जी, चलिए अब आगे वो क्या बिकता है वो अगले उसके हाथ में। नहीं नहीं चलिए, अच्छा बिकना चाहिए। तो देखिए मलिहाबाद में व्यापारी आ गए हैं, माल आ गया है, बस अब जरूरत है तो दाम की और बेहतर दाम की, क्योंकि माल कम है, किसानों के पास उतना है ही नहीं, तो इसलिए दाम किसान को अच्छा मिल जाए इसी उम्मीद के साथ अब 15 या 20 दिन का जो मंडी रहेगी, क्योंकि आम कम है तो किसानों का भरोसा बस इतना ही है। आगे हम बात करेंगे लोगों से, और लोग मौजूद हैं। क्या लग रहा है भैया इस बार क्या हालात होने वाले हैं मंडी के और फसल कितनी अच्छी है? 25% बहुत है, 25% तो ये किसानों के लिए व्यापारी के लिए कितना बड़ा संकट है कह सकते हैं कि अगर इतना कम फसल है, किसान लगातार आम की जो खेती कर रहा है बहुत नुकसान में, उसी में लगा रहता है, यही बहुत नुकसान है किसान। और जो यहाँ माल लोग बगीचे भी खरीदते हैं बहुत महंगे आम खरीद लिए गए हैं और उसके बाद भी आम नहीं बिक रहा है, ये कम कम के चक्कर में बगीचे बहुत महंगे खरीद लिए गए, कभी महंगा बिकेगा बिकेगा लेकिन नहीं बिक रहा है। तो हम कह सकते हैं बर्बादी का ही कारण है, कह सकते हैं आप तो लोगों बर्बादी का कारण है, पिछले 2 साल कोरोना में चले गए, अब कीजिए हो गए यूँ जा रहे हैं, एक तो फसल नहीं आई, जब आई एक कटर आ गया उसने काटना शुरू किया, वो कोई दवाई ना मार पाए, उसमें बहुत नुकसान हुआ। सरकार की तरफ से कुछ ख्याल किया जाता है, वो ध्यान दिया जाए? सरकार की तरफ से बातें होती हैं कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जमीन नहीं, कुछ नहीं। आम हम बाहर भेजने की जो होती है आयात निर्यात की बात होती है, बड़े बड़े लोग हैं जो संस्थाएं बनाए घूम रहे हैं। अब देखिए ये भाई आए हुए हैं, अपनी गाड़ी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं अपने यहाँ, ये कहीं तो ना कोई शौचालय तक नहीं बनी यहाँ कहीं पे, ऐसी है व्यवस्था। और मंडी बनाई उन्होंने, सिर्फ दुकानें बना दी, ना टीन शेड है ना रोड है, कैसे का काम करे? तो आप लोग मंडी नहीं शिफ्ट किए हैं? अभी कहाँ मंडी शिफ्ट हुआ है, मंडी उनसे कहा था टीन शेड बना के दीजिए, आम हम लोग कहाँ रखेंगे? तो हमारे मंत्री जी हैं तो उन्होंने आके यहाँ तय किया, कहा अभी जब तक टीन उन शेड नहीं पड़ेगा जब तक के आप लोग नहीं कीजिए। देखिए मंडी बनकर जो तैयार है वो किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए सबके लिए, लेकिन अभी वहाँ तक इतनी अव्यवस्थाएँ हैं कि किसी व्यापारी ने मंडी शिफ्ट नहीं किया है, और इस बार लगता है फिर मलिहाबाद की मंडी सूनी ही रहेगी, क्योंकि लोगों ने फिर अपनी अपनी जो आढ़त है रोड के कारण जहाँ जहाँ जगह मिलती थी वहाँ लगा दिया है। अगर हम आम की बात करें थोड़ा खोल के दिखाएंगे कि क्या नहीं किस तरीके का है, और ये
ज्यादा वजन होगी मिलता है ये वाली, ये 22-23 किलो का होगा, ये 22-23 किलो का मान लीजिए। आम भी तो डिपेंड करता है कि छोटा है बड़ा है, उसका भी तो रेट होगा। इसका क्या रेट हो सकता है आप लोग का? ये जिसका रेट ये मान के चलिए 30-32 रुपए, इसका 30-32 रुपए, ये दसाई जी का। इसका कितना वजन होगा? ये निकलता है लमसम 23 किलो पैरेट में। इसका कितना वजन होगा आपको लगता है? 200 ग्राम है, 300 ग्राम कम होगा। अच्छा 300 ग्राम, तो ऐसा अगर माल रहेगा तो रेट अच्छा मिल सकता है। जी जी जी। तो ये है मंडी के जो हालात हैं मलिहाबाद के। अब हम ले चलेंगे आपको बाग में किसी और किसान के पास, और वहाँ किसान से बात करेंगे कि उसकी क्या समस्याएं हैं और इस बार उसकी क्या उम्मीद है और कितनी फसल उसकी आएगी। मलिहाबाद का आम आम नहीं अब खास हो गया है, क्योंकि जो आदमी है उसी पहुँच से दूर हो रहा है। मलिहाबाद की फसल में पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि सालों साल उसकी जो पैदावार है उसमें गिरावट आ रही है। हम इसमें मलिहाबाद में हैं, हमारे साथ किसान मौजूद हैं, बाग में हैं। हम उनसे पूछेंगे कि इस बार की जो फसल है उसकी पैदावार कैसी है और उसके हालात क्या हैं। दादा यहाँ पे आ जाइए, इधर एक बार आपसे बात करें, इस बार जो आम की फसल है उसकी पैदावार कैसी है? इस बार जो है आम बहुत कम है। इसके पीछे कारण क्या है? इसमें रोग बहुत लगता है, लोकल दवाई कम मिलती है आजकल ज़्यादातर। ये हम कह सकते हैं कि दवाई का ज़्यादा सही दवा नहीं उपलब्ध पाती किसानों को। तो ये एक बार नहीं है, तो बरसों से चला रहा है, मतलब 2-4 साल से हम देख रहे हैं कि हर बार फसल कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। तो इधर 2-3 साल से कम हो रही है, पिछली बार ज़्यादा थी तो कोरोना था। दवाइयों का असर है, दवाई सही नहीं मिल पा रही। अच्छा, तो किसान क्या करेगा जब अगर ऐसे चलता रहेगा तो? किसान परेशान है, सब लोकल कंपनी सब चल रहे हैं ज़्यादातर। जैसे गवर्नमेंट की टेंडर कोई कंपनी दवा हो, जैसे बागवानों को वितरण हो तो उससे लाभ हो, तो गारंटी भी हो। पहले कितना आम आता था और इस बार कितना आया है? इस बार तो आम बस मान के लिए बस 20% है। अच्छा, तो लोगों को खाने को मिलेगा आपको? अरे नाम मात्र कह लीजिए, बहुत कम। नहीं, आम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा आम। अच्छा, आम लोग तो नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, तो रेट भी महंगा रहेगा? अब रेट तो मंडी पर है, निर्भर है। आपको लगता है महंगा रहेगा इस बार, क्योंकि मंडी खुल गई ना? मलिहाबाद की मंडी तो खुल गई है, आम महंगा बिकना चाहिए। अच्छा, आपके बाग में क्या क्या है थोड़ा सा बताइए। ये देखिए, ये तो आपके आप बाग में तो आम आया है। ये अम्रपाली है। अच्छा, और पूरा पूरी बाग में आया आपका अम्रपाली? नहीं, पूरी बाग में नहीं है, 2-4 पेड़ अच्छे बन गए हैं। अच्छा, और बाकी तो सब ऐसे हो गया, दशहरी खाना ठीक नहीं, लेकिन अम्रपाली आया है। तो इसमें क्या किया आपने बताइए? प्रेशर किया गया है, मतलब जो आपकी जो फसल गर्मी ज़्यादा हुई ना, पिछला बार मर गया, अगला बार जो था वो कामयाब हुआ। अच्छा, ये पहले वाला था इसलिए कामयाब हो गया, पीछे वाला मर गया। और क्या है आपके पास? ये तो आम्रपाली, ये पूरा आम्रपाली है। आइए तो बताइए थोड़ा सा, ये भी आम्रपाली है? ये भी आम्रपाली है। अच्छा, इसमें खास क्या बात है दशहरी में और आम्रपाली में क्या खास? आम्रपाली का जो है ये इसका पकता है देर। अच्छा, देर की वैरायटी है। स्वाद में भी कुछ फर्क? स्वाद भी अच्छा है, दशहरी से ज़्यादा अच्छा, दशहरी से ज़्यादा अच्छा होता है। ये वैरायटी किसान क्यों नहीं लगा रहा? पौधा छोटा होता है, उत्पादन उतना नहीं मिल पाता है। अच्छा, दशहरी दशहरी के मुकाबले इसलिए। तो रेट रेट भी जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो आम का रेट डाउन हो जाता है। अच्छा, तो इसका रेट भी बहुत अच्छा, हम कह सकते नहीं किसान। कीड़े वीड़े पड़ने लगते हैं जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो आम नुकसान में चला जाता है। और भी किसी किस्म का पेड़ है आपके पास? हाँ, एक्सटेंशन है। अच्छा, ये क्या है? एक्सटेंशन पेड़। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? ये खाने में बहुत अच्छा होता है, गुठली कम होती है। इसकी भी पैदावार ठीक है आपके पास? एक पेड़ है इसका? हाँ, 2-3 पेड़ है। आइए इधर बाहर से देख लीजिए तुम। अच्छा, खूबसूरती भी है इसकी? खूबसूरती भी है, सुरखा सुरख होता है, सुरख आधा पकने पे। हाँ, क्या लग रहा है इस बार जो मंडी है, तो मंडी में माल आ रहा है, मतलब भरता है बाहर के आसपास के इलाके में है माल? हाँ, पूरे मलिहाबाद में नहीं है? मलिहाबाद में आम है तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा समेट जाएगा तो 2-4 दिन में तो मंडी चली जाएगी। अच्छा, ज़्यादा नहीं चलनी नहीं है? जैसे खलिहान है, सब सब इकट्ठा हुआ, 4 दिन की मंडी होती है। दशहरी मान लो ये जो है पहली तारीख से स्टार्ट हुई है, 10-12 तारीख में समेट जाएगी। तो क्या लग रहा है, किसी की नज़र लग गई है? क्या हो गया कि मलिहाबाद के किसानों के लिए बड़ा नहीं लगी गई है? बस आप ये मान के लिए
कुछ प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है और कुछ दवाओं का प्रकोप रहता है, यही कारण है। पिछले 3 सालों से कोरोना काल में लगातार मलिहाबाद के किसान जो आम की खेती करते हैं, अब और यहाँ पर जो है सबसे बड़ा रोग एक है छोटे टाइप के जो भुनगी है, वो मारे ही नहीं मरते, कोई भी दवा से धुला जाए वो आम सारा दागी हो जाता है, तो मंडी में उनकी कीमत नहीं मिलती। तो जो बीमारी है, जो कीटनाशक दवाई है वो नकली है, यही सारे इशू हैं जिनको लेकर के जो फसल आ रही है वो भी समय पर आते आते उमर जाती है। आपको दिखाएं दशहरी में आधा आम काला है, तो मंडी में कीमत कैसे मिलेगी? बहुत सारी समस्याएं हैं मलिहाबाद में आम की खेती को लेकर के, उसका हल किसी के पास जो मजबूत हल कह सकते हैं वो नहीं है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।